बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात को निधन हो गया है। बता दें, डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना संक्रमण के बाद एम्स के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, जहां कोरोना से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। बता दें, लंबे समय से वो बीमारी से ग्रसित थे और सोमवार की रात को बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया है। बता दें, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण से, आपको बता दें, लगातार डॉक्टर्स भी अब इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और मरीजों का इलाज करते करते कई ऐसे डॉक्टर्स देखे गए हैं जिनकी मौत हो गई है कोरोना संक्रमण से। और इसी क्रम में अब पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का भी निधन हो गया है। बता दें, सोमवार को देर रात उनका निधन हो गया है और काफी लंबे समय से उनका इलाज किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे डॉक्टर, लेकिन इलाज के दौरान सोमवार की रात को उन्होंने दम तोड़ दिया है। लंबे समय से एम्स में ही उनका इलाज किया जा रहा था, इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। सोमवार रात बीमारी से लड़ते हुए डॉक्टर के अग्रवाल ने दम तोड़ दिया है। बता दें, कोरोना संक्रमण से अब तक कई डॉक्टर्स जो हैं कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और भारी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है और इसके साथ ही कई डॉक्टर्स की जान चली गई है। और इसी कड़ी में अब पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की भी मौत हो गई है। बता दें, सोमवार को रात बीमारी से लड़ते लड़ते डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। लंबे समय से कोरोना संक्रमण का शिकार थे और उनका इलाज किया जा रहा था और इसके साथ ही इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया है। और लंबे समय से एम्स में उनका इलाज किया जा रहा था, जहां बीती रात को उनका निधन हो गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां मेरठ में ब्लैक फंगस के 7 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 27 मरीज सामने आ चुके हैं, जिन्हें न्यूट्रिमा में 5 और आनंद में 4 मरीज भर्ती कराए गए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 8 और सुभारती में 1 मरीज और लोकप्रिय में 3 मरीज भर्ती करा दिए गए हैं। बता दें, केएमसी में 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि कई छोटे अस्पतालों में भी कई ब्लैक फंगस के शिकार मरीज देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, मरीज भर्ती अभी तक 2 मरीज की ही हो चुकी है। अलग अलग जो इलाके हैं वहां से अलग अलग ब्लैक फंगस के जो है संक्रमण से ग्रसित मरीज सामने आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, कई छोटे अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के कई मरीज देखे गए हैं। और अब तक आपको बता दें, मरीजों का जो संख्या है, जो आंकड़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस, आपको बता दें, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें, ब्लैक फंगस इस वक्त भारी मात्रा में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और इसी बीच अब जो है उत्तर प्रदेश से ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि न्यूट्रिमा में 5 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती किए जा चुके हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में 8 हैं और सुभारती में 1 मरीज को भर्ती कराया गया है, जो कि ब्लैक फंगस से ग्रसित है। लोकप्रिय में 3 और केएमसी में 2 मरीज भर्ती हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत है। हालांकि सबका इलाज किया जा रहा है और इस दौरान स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी लगातार जारी है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों को देखते हुए भी उन्हें नजरअंदाज ना करें और इसी के साथ ही तुरंत डॉक्टर से इलाज लें और इसके साथ ही कंसल्ट करें, सलाह लें डॉक्टर की, क्योंकि ब्लैक फंगस जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो जान को खतरा जरूर हो सकता है। जिले में अब ब्लैक फंगस के, आपको बता दें, 27 मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो है ब्लैक फंगस के कुछ मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, कई छोटे अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के कई मरीज देखे गए हैं।